हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डी लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कॉन्स्टेबल और सब इंस्पेक्टर में जो आपका शॉर्ट पुट का प्रोसीजर रहता है। आप सभी जानते हो ये सिर्फ गर्ल्स के लिए रहता है। और दोस्तों बात करें फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में, जैसे आप रनिंग पास करते हो उसके कोई 5-10 मिनट बाद ही आपका ये जो प्रोसीजर है ये करवाया जाता है। और चलिए दोस्तों बात करते हैं शॉट पुट के बारे में, किस तरह आपको क्या प्रोसीजर रहता है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे आपका नेचर क्वालिफाइंग नेचर रहता है वो आपका यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉन्ग रेस कम्प्लीट करनी पड़ेगी जो आपकी एज के हिसाब से होगी। जैसे 1000 मीटर की 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, 6 मिनट और 30 सेकेंड्स में। और उसके बाद शॉट पुट यहाँ पे देख सकते हैं 4 kg का आपको टोटल बाल होगा, मतलब एक तरह से बॉल ही कह सकते हो, शॉर्ट पुट कहते हैं वैसे इसको। और ये आपको फेंकना पड़ेगा 14.5 फीट। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो के माध्यम के थ्रू मैं बता देता हूँ किस तरह से यहाँ पे जो है ये प्रोसीजर किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक गर्ल है, तो इन्होंने ये बॉल 4 kg का उठाया हुआ है और इस तरह से इसको फेंकना पड़ता है। सबसे पहले आपको एक सर्कल के अंदर खड़ा किया जाएगा, फिर उसके बाद सामने जो लाइन ड्रा की होगी 14.5 फीट की, उसको आपको बॉल को क्रॉस करना पड़ेगा। दोस्तों आप इसके लिए आपको 3 अटैम्प्ट्स मिलेंगे। फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर आप फेल होते हो तो आपको दूसरा अटैम्प्ट दिया जाएगा, दूसरे अटैम्प्ट में अगर आप फेल होते हो तो फाइनल एंड थर्ड अटैम्प्ट आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से ये जो थ्रो है करना पड़ता है। मैप की बात करें तो कुछ इस तरह का ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्कल में आपको रह के बाल फेंकना पड़ेगा। सर्कल से थोड़ा बहुत बाहर अगर चले जाते हो तो इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका बॉल जो है यहाँ पे क्रॉस करना चाहिए। एक बार मैं आपको फिर से ये बता देता हूँ कि जो अप टू 30 ईयर्स की वूमेंस हैं उनके लिए तो यहाँ पे 14.5 फीट रहेगा। फिर उसके बाद 30 to 40 ईयर्स के बीच में जो महिलाएं आती है जिन्होंने फॉर्म लगाया होगा, जैसे एक्स सर्विसमैन होगी या फिर SPOs होंगी, उनके लिए 12.5 फीट रहता है। और मतलब जो बॉल है वो तो 4 kg का ही रहेगा, उसमें कोई भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं किया जाएगा। बाकी फ़ीट में जैसे अब जो 40 साल से ऊपर की महिलाएँ हैं उनके लिए 10.5 फीट का ये जो प्रोसेस है यहाँ पर। उसके बाद बात करें तो ये जो पहले आपकी रनिंग होगी, रनिंग के कोई 5-10 मिनट का समय आपको मिल जाएगा, मतलब जो आप यहाँ पे इसके लिए, तो इसके बीच में आप थोड़ा सा गैप मिल जाता है, इसकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दोस्तों आप शॉर्ट पुट की प्रैक्टिस कर सकते हैं जब आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है, या फिर रनिंग आपके जैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है उसके मतलब 2-3 महीने का जो समय है वो मिल जाता है आपको प्रैक्टिस के लिए रनिंग की। तो ये आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, अब ईज़िली जो बॉल है ये अवेलेबल होगी फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पर। और दोस्तों हाँ, अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपको सिंपली यहाँ से इस रिक्रूटमेंट से बाहर कर दिया जाएगा, मतलब आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों आपको कैसा लगा आज का वीडियो, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। जय हिंद, जय भारत।